वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ढेर सारे ऐसे न्यू मूवीज और वेब सीरीज के बारे में जो कि मैंने हाल ही फिलहाल में एक हफ्ता या दो हफ्ता के अंदर देखी हैं। और इन एक दो हफ्तों में मैंने ऐसी मूवीज देखी है जो कि मम्मी कसम मेरे को नहीं देखनी चाहिए थी, या फिर बोल सकते हो कि वो सब मूवीज मेरे को बहुत ही बेकार लगी, इसलिए मैंने उन सब मूवीज को इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि गाइस मेरे को पता है कि भाई लिस्ट लंबी करने से कुछ फायदा नहीं, उल्टा तुम लोग मेरे को बोलोगे भाई क्या टट्टी मूवीज रिकमेंड किया तूने। खैर, और ये सब मूवीज तुम लोग आराम से नेटफ्लिक्स, अमेजोन या फिर एप्पल टीवी पे देखने को मिल जाएगी। वेल, लिस्ट को जल्दी से स्टार्ट कर दे यार, है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है टीम। अगर तुम लोग ने मेगन मूवी देखी है तो भाई उसी टाइप का सेम कॉन्सेप्ट इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम एवी रहता है और वो एक एआई रोबोट पे काम कर रही है जिसका नाम टीम रहता है। अब रोबोट कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी वालों ने टेस्टिंग के लिए एवी के घर रोबोट को डिलीवर कर देती है। अब बस यहां से उस रोबोट का रंग रूप दिखने लगता है। अब आगे इस मूवी के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो तुम लोग को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सेकंड नंबर आता है द मून। अब देखो हर देश का सपना होता है कि भाई अब उन लोग अब स्पेस एजेंसी में नाम हो, है कि नहीं। अब इसमें साउथ कोरिया को दिखाया गया जो कि बहुत टाइम से एक मून मिशन कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले अटेम्प्ट में इतनी बुरी तरह से फेल हो जाता है कि नासा वाले उसके साथ छोड़ देते हैं। अब दूसरे अटेम्प्ट में बोले तो दूसरे मिशन में बस एक ही एस्ट्रोनॉट बचता है जो कि निर्णय लेता है कि भाई अपुन ही अकेला मून मिशन कंप्लीट करेगा। अब पूरे मिशन के अंदर उसके साथ क्या होगा वो तो तुम लोगों को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब थर्ड नंबर आता है जो कि मैंने हाल ही फिलहाल में देखी है, मतलब बोल सकते हो एक दो दिन हो रहा होगा, बैडलैंड हंटर्स। इस मूवी के अंदर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और कुछ इंसान बच रहे हैं जो कि अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं और उस जगह कोई नियम कानून नहीं है और भाई पानी तो एकदम सोने के भाव में मिल रहा है। इसमें एक लड़की रहती है जो कि उसको कोई ढांप लेता है, मतलब बोल सकते हैं उसको कोई किडनैप कर लेता है, सामान थोड़ी है वो। खैर, इसमें जो किडनैपर है वो सुपर ह्यूमन है, मतलब बोल सकते हो इंसानों वाली शक्ति नहीं है उनमें। अब इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है कैसे उस लड़की को बचाता है, बोले तो रेस्क्यू करता है, वो तो तुम लोग को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसके अंदर तुम लोग को गंदा वाला ब्रूटल एक्शन देखने को मिलेगा या फिर खून खराबा, जो कि मेरे को पता है यार कि तुम्हारे भेजे को वही सब देखना पसंद है। पता है द किलर, इसमें एक बंदा रहता है जो कि ऑफ कोर्स एक किलर है और वो इतना सफाई से मर्डर करता है, या भी बोल सकते वो अपना काम में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि लोगों को भनक भी नहीं पड़ता है कि वो मर्डर कर चुका है। लेकिन गाइस मूवी के अंदर ट्विस्ट नहीं रहेगा तो मजा कैसे आएगा, है कि नहीं। अब इसको किसी बंदे को मारना था लेकिन इससे हो जाती है गड़बड़, या भी बोल सकते हो इसका निशाना चूक जाता है और वो बंदा बच जाता है। अब बस यहां से इसका घिसाई चालू हो जाता है। अब ये किस तरह से बचता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिफ्थ नंबर पता है जॉनसन क्रिएचर, जो कि मैंने हाल ही फिलहाल मतलब एक हफ्ता हो रहा होगा खत्म किए हुए, और ये सीरीज मेरे को ठीक ही ठाक लगी। खैर, सीरीज सेट है 90s का टाइम पे जब जापान ने कोरिया को ऑक्युपाइड करके रखा था, या भी बोल सकते हो कब्जा करके रखा था। खैर, इसके अंदर एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जिसके अंदर ढेर सारे इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। बाहर से आदमी लोग को लाया जाता है या फिर बोल सकते हो किडनैप करके हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और उनपे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। खैर, इसमें एक लड़की रहती है जो कि अपने मदर को 10 साल से खोज रही है। ये सब चीजें उस हॉस्पिटल से कैसे आगे जाके लिंक्ड हो जाती है उसके लिए तो आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा। मे भी शायद चांसेस है कि लास्ट में ये सीरीज आपको थोड़ा सा इमोशनल कर दे, लेकिन मैं नहीं था क्योंकि भाई मैं हूँ पत्थर दिल। अब सिक्स्थ नंबर पता है ब्रदर्स सन्स। इसमें कपल रहता है जो कि बहुत पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे और दोनों ही अपने अपने बेटे को रख के परवरिश करते हैं। अब जो मदर के पास बेटा रहता है वो बहुत ही इनोसेंट और शांत व्यवहार का रहता है। अब बाप के पास जो बेटा रहता है वो अपना बेटा को पूरा अपना धंधा और बिजनेस संभालने देता है और उसे गैंगस्टर बना देता है। अब बड़े भाई पे कोई गैंगस्टर अटैक कर देता है और जो बची हुई फैमिली है वो एले में रह रही होती है और उसे बचाने के लिए बड़ा भाई एले चला जाता है। अब उसके साथ क्या क्या होता है वो तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। अब सेवन नंबर पता है जो कि मेरे को इस लिस्ट के अंदर सबसे अच्छी लगी, मोनार्स लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। इस सीरीज के अंदर तुम लोगों को दो टाइमलाइन दिखाई गई है जो कि तुम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन वही देखने में मजा है, है कि नहीं। इसमें दो सिबलिंग्स को दिखाया गया है जो कि पता लगाना चाहती हैं कि भाई मोनार्स आखिरकार है क्या, क्योंकि इसके फादर कहीं गायब हो चुके हैं और उनका कहीं ना कहीं मोनार्स से लिंक्ड है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि मोनार्स एक कंपनी है जो कि मॉन्स्टर पे रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट करती है और ये सीरीज मोनार्स कंपनी के अराउंड ही घूमती है। अब ये दोनों भाई बहन किस तरह से उस कंपनी का पता लगाते हैं वो तो आपको ये सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ गाइस, लिस्ट के अंदर जितनी भी मूवीज और वेब सीरीज मैंने बताई हैं सब तुम लोगों को हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी।